और मुझे ऐसा लगता है उसको डायरेक्टर बनना चाहिए. आई थिंक ही विल बी फैब. आजकल तो फिल्में ज्यादा मिल नहीं रही तो वो करना पड़ेगा. मेरी बहन की शूटिंग हो रही थी तो मैं शूटिंग देखने गई थी. शी सेड वाओ दिस इज सो इजी. मैं भी करती हूं. हाय परिणीति. हाय अर्जुन. व्हाट्स अप. कैसे हो भाई. हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. वी हैव नो इंटरेस्ट. बाबा हमको शॉपिंग करवाने वाले. बाबा व्हाट यू आर गोना मेक अ शॉप ना. किधर. बैक रोड पे. मेरे महंगे गिफ्ट्स वो कब आएंगे. भाड़े के कपड़े पहन के रिटर्न होते हैं हमारे कपड़े फैशन के. इसलिए खुद के पैंट पहन के आया. ग्लासेस भी मैंने खुद के पहने. की अगर शो के बीच में सिड अगर कपड़े भी फाड़ दे तो हमारे खुद के ही थे. तुम अपने कपड़े फाड़ना मत. नहीं हम कपड़े फाड़ने तक कैसे पहुंचे. बट लाइक बताता हूँ जो इलाका हम क्रॉस करने वाले ना. ये देखो लेफ्ट साइड पे फन रिपब्लिक थिएटर जाने की जो अब हो चुका है सिनेपोलिस. करेक्ट. यहाँ पे मैं और वरुण धवन आके खाया करते थे लंच. क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर था बैरी जॉन का क्लास स्टूडियो. यस जो है अभी भी ऊपर. लेकिन बैरी सर अब यहाँ पे पढ़ाते नहीं है. उन्होंने हैंडओवर किया है. पर सबसे खास बात है हम लोग इस बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हुए थे वरुण और मैं और हम लोग शॉर्ट फिल्म शूट करे थे. हम दोनों ने कहा था यार एक दिन हम यशराज में जरूर जाके काम करें. ये सब बोलते हैं. ये पब्लिक सब बोलती है मेरे को मालूम है. बट ये तो दिखता है ना वहां से. आदि का ऑफिस दिखता था. हमें नहीं पता था वो आदि का ऑफिस है. करेक्ट. बट यू मैनेज टू गेट टू अ टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग इन बॉम्बे. दैट्स इट इन इटसेल्फ अ फीट. Why? I have never been able to get to terraces in Bombay. That's because you're always on the ground, right? That's because on the road. यहाँ पे तो जब एक घर में एक बैल्कनी होती है आठ सेलिब्रेट किया जाता तो बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके घर में बैल्कनी है. People don't realize कि मुंबई is such a cramped place कि Not everybody like Parinidhi Chopra कि मैं रोज गार्डन में बैठ के कॉफी पी के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. My morning coffee. And it's like the 12. Sun. With like the sun coming in. तुम्हारे घर पे पूल है? क्या ये अंदर? Wow, Parinidhi, good job. Yeah, what is your Fun Republic story now? Oh, my Fun Republic story is कि मैं actually यशराज में काम करती थी. Okay. और फिर उसे निकाल दिया. जब lunch break पे नहीं मैं promote हो गई. First floor से fourth floor चली गई. तो जब मैं वायरस में काम करती थी तो हम लोग लंच ब्रेक कई बार अगर हम ऑफिस में बोर हो जाते थे कभी कभी तो हम फन रिपब्लिक खाना खाते थे. तब मैंने फिल्में देखना शुरू किया और तब मैंने रियलाइज किया कि शायद मुझे एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए. तो एक दिन मैं यशराज गई थी. मेरी बहन की शूटिंग हो रही थी प्यार इम्पॉसिबल की. तो मैं शूटिंग देखने गई थी. शी सेड वाओ दिस इज सो इजी. मैं भी करती हूं. एक्चुअली नो. तब भी मैं आई रिमेम्बर मैं उदय और मिमी दीदी के साथ बैठी थी एट्रियम में. तो वहां पे मैं बैठी थी एज द कजिन और मैं उन लोगों को बोल रही थी कि तुम लोग कैसे करते हो. So they were like, yeah, yeah, ये तेरे मतलब की नहीं है. I was like, yeah, yeah, I'll never get into films. Films is so silly. Wow, this is such an easy job. So then I joined marketing and At YRF, क्योंकि they were hiring. और मैंने हर जगह apply किया था. So Tarika was here that time. Tarika used to manage Ranveer and Anushka. Correct. और Ranveer और Anushka जो मेरे पहले जो मेरे लास्ट स्टार्स थे बैंड बाजा बारात की जब मैंने मार्केटिंग की थी they were the last stars I worked with. And 2 months later, I was announced as the actress of Ladies vs. Ricky Bell and they became my co-stars. Mm. Oh, look at my fans. Oh, wow, wow. Fans. These are, this is our crew shooting us. Oh, fans ke saath dost tha. He actually thought that you thought they were fans. He said, no, no, this is our crew who are shooting. No, we are doing this first time, right? This is a little... मेरा तो आदत है ना. ये तो रोज करते हैं. हमने थोड़ी ना 16-17 फिल्में की है. ऐसा थोड़ी हो सकता है. He's being sarcastic by the way. जो तुम जो he started off only like that. So I'm just like मैं कभी पलटू और कभी बोलू भाई आपका बॉम्बे का बताओ ना कुछ. तुम उसे जीत नहीं सकते. Like so you were you going to act? Was there a path set कि भाई मुझे ये करना है. नहीं यार मेरा कोई path set नहीं था. बट आप सेटों पे जाते ही थे ना बचपन में. वो तो व्हेन यू ग्रो अप इन दिस एनवायरनमेंट आई एम श्योर योर डैड व्हाटएवर जॉब ही डिड और योर मॉम और इवन एनीबॉडी दैट इज रिमोटली एक्साइटिंग टू यू एज अ चाइल्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशन इन सम वे और द अदर. यू लिव वाइकेरियसली थ्रू योर फैमिली ओनली ना. करेक्ट. अब मेरी पूरी फैमिली एक ही काम में involved thi unfortunately or fortunately everybody was involved in creating content yeah. I mean aaj ke zamane mein content hi bolte hain usse. You get inquisitive as a child that, and you get enamored. See, going to a set as a child, usse better experience. It's like going to Disneyland. It's like That's going true. To a candy store. That's true. Because itne log bhag dod kar rahe hain, itna maza hai, cheekham chilli ho rahi hai, khana peena hai, camera hai, log action chillate hain, lighte on hoti hain, dancing ho rahi hai. It's a magical world. That's and true. In that magical world, somewhere you also realize that there's a great sense of fairy taleism. Like you get to tell stories, right? So you get enamored as a child. So मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं भी ये fairy tales बोलूं. तो आपने director बनने की
डायरेक्टर बनना चाहता था। जिस तरह से मुझे बैंकिंग फाइनेंस के बारे में पता होगा क्योंकि मैं पूरी जिंदगी उसमें बड़ी हुई हूँ, उसको फिल्मों के बारे में पता होता है। तो आई एम दैट पर्सन हु विल, आई एम नॉट शाय ऑफ लर्निंग, आई इनफैक्ट लव लर्निंग। तो आई इमीडिएटली, चाहे मुझे डायरेक्टर ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया भी है ना, मैं एक बार हमेशा इससे बात करती हूँ। लाइक अच्छा मैं सोचू ये करूँ, तुम क्या करने वाले हो, या तुम बताओ, या अगर मैं इसको सरप्राइज करती भी हूँ टेक में तो ये रिएक्ट करता है, लाइक दैट इज वेरी गुड। ही विल नेवर कट अ शॉट एंड से अरे अरे इसने क्या किया सीन में, मैं प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि इसका पैशन इतना ज्यादा है। एंड लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसने जिंदगी में और कुछ किया नहीं है, फिल्मों में ये बड़ा हुआ है, फिल्में देखी हैं इसने, एक्टर्स देखे, प्रोड्यूसर्स, उसको यही आता है जिंदगी में। सही बात है। व्हेन आई सॉ द ट्रेलर आई वाज लाइक वाओ, दो कैरेक्टर इसमें एक जगह फंस जाते हैं और फिर क्या हो रहा है मेरे को, मतलब इट्स मेंटल मैन, व्हाटएवर यू गाइस हैव पुल्ड थ्रू ओवर देयर। सो टेल मी अ लिटिल अबाउट दीस टू कैरेक्टर्स आल्सो। दिवाकर नॉट अस एक्चुअली, हां ट्रूली वी आर जस्ट लिविंग आउट हिज थॉट्स। ही इज जेन्युइनली अ मूड filmmaker, you know, he creates mood, he creates ambience, he creates a feeling. और आपको समझ में नहीं आता पहले जब आप देखते हो ट्रेलर, तो आपको नाम ही नहीं समझ में आता, फिर आपको चमकता है अरे ये तो उल्टा है। हाँ, तो वो उसका व्यंग है सोसाइटी के बारे में भी कि हिंदुस्तान में मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, लेकिन the lines are actually blurred. Yeah. So the film deals with a lot of these underlying philosophies layered of Bharat and India, predominantly me representing Bharat, that is the so-called common man who's getting pissed out by the system, and her representing a part of the system that is very straightforward, very focused and very agenda driven, and there's nothing wrong with either, but what happens is when those two come together, there is a disparity of emotional connect, there is a disparity of socio empathy, there are lots of things that don't collide, but they collide in the sense ki they agree but they disagree, they want the same thing but they don't know how to go about it together. So bahut interesting friction hai, और उस फ्रिक्शन के बीच में दे नीड ईच अदर एंड दे बोथ बिलीव दैट दे आर मोर राइट देन द अदर, एंड ऐसा नहीं कि एंड दे आर इन अ वे राइट इन देयर ओन वर्ल्ड्स, एक्चुअली मेल ईगो फीमेल ईगो नहीं है, इट इज जस्ट अपनी जिंदगी में ना वो सही रीजंस के लिए भाग रहे हैं। आई ट्रूली फील इट इज वेरी मोर रेलेवेंट राइट नाउ टू आवर सोसाइटी देन इट वाज इवन व्हेन वी एग्रीड टू डू इट इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। ओके, नो आई नो पीपल हु हैव गॉन टू स्कूल विद यू। तुम स्कूल गई थी? वाओ, क्यों? क्या हासिल किया तुमने स्कूल? ताकि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊं बड़े होकर। दैट्स ट्रू। इंग्लिश टीचर। या इंग्लिश प्रेजेंट मैम। शी वेंट टू अ कॉन्वेंट, ओके? शी हैड सिस्टर्स एंड लाइक नंस एंड लाइक हॉट क्रॉस बंस। वन अ पेनी टू अ पेनी हॉट क्रॉस बंस। या सो या कॉन्वेंट स्कूल अपब्रिंगिंग, देन हाफ द ईयर आई यूज्ड टू स्पेंड इन अफ्रीका बिकॉज़ माय ग्रैंडपेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन नैरोबी। सो आई एम नॉट अ वेरी स्मॉल टाउन गर्ल एक्चुअली बाय हार्ट, बाय यस बाय अपब्रिंगिंग आई एम, बाय डिसिप्लिन आई एम। इंटरनेशनल चोपड़ा। बाय आई एम इंटरनेशनल चोपड़ा। या आई रियली एम। आई ट्राइड डांसिंग लाइक चोपड़ा जवान। हां नहीं होता है भाई, कैसे किया? वो यार मुझे आदित्य चोपड़ा ने एक दिन बोला था कि गाना है जिसमें गौहर खान नाचेंगी और तुम बैठ के देखना, जैसे चिकनी चमेली में ऋतिक इज सिटिंग एंड वाचिंग। सो द सॉन्ग वाज रिटन ऑन स्क्रीन प्ले लेवल कि तुम बसे बाहुबली और तुम बैठे हो अपने दद्दा के साथ और देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। मैंने कहा सर पर मेरी पहली फिल्म है, मैं डांस कर सकता हूँ, क्यों नहीं करा रहे? तो लुक एट मी, से तुझे डांस आता है? तो आई सेड मैं मतलब व्हाट डज दैट मीन? ही सेड नहीं, आई थॉट तू उस टाइप का है कि तू डांसर नहीं है। और भी चुप होता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तू कर रिहर्सल करके दिखा मुझे, अगर अच्छी लगी तो डाल दूंगा, फिर गाना चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने रिहर्सल कराई, बाकायदा मैंने 10-12 दिन रिहर्सल की। चीनी प्रकाश और रेखा चीनी प्रकाश आके मुझे पूरा गाना सिखाया। मैंने ऑडिशन किया वो गाना इवेंचुअली फॉर हबीब सर एंड फॉर आदि सर। मुझे अभी भी याद है यशराज के अंदर जिम में आके आदि ने देखा था, हमने पूरा इक्विपमेंट लगा के पूरा 4 मिनट का गाना, पूरे 4 मिनट का गाना परफॉर्म किया मैंने। करेक्ट। एंड ही सेड यार तू तो नाच सकता है, चल ठीक है। तो इट वॉज एज सिंपल एज करके बता, यू डू समथिंग एंड शो मी, इफ इट्स वर्थ इट, इट विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म। By the time I came and that was a month or two later than him, जब तक मैं आई तो इसको स्क्रिप्ट बाय हार्ट थी। एंड बाय द टाइम हम लोग शूटिंग पे
गए थे, हम दोनों को ऐसी बाय हार्ट थी कि हम दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी बोलते थे। सुबह उठ के वी कुड टीच एवरीबॉडी व्हाट इज हैपनिंग। मैंने स्क्रिप्ट खोली नहीं है 3 महीने, क्योंकि बस मेरे को बोल रहा था कौन सा सीन है और मैं ट्र करके पूरा सीन बोल सकती हूँ। पहले और आफ्टर बाकी सबकी लाइनें भी याद हो गई। सबकी लाइनें और लाइनें छोड़ो, इमोशन सब कुछ, डायरेक्शन सब कुछ, क्योंकि हम लोग बस रोज पढ़ाई करते थे स्कूल की तरह, दो दो तीन तीन घंटे कंटिन्यूस, फिर खाना खा लो, फिर दो दो तीन तीन घंटे, फिर मैं कलरी पाई तो करता था, फिर वर्कआउट होता था, करेक्ट, ये होता था, वो होता था, और फिर हम रेडी हो गए थे। बट वो जो कैरेक्टर है जोया का, वो जिंदगी में, आई मीन शी इज वेरी लकी, बट जिंदगी में मिलना एंड देन टू डू इट, इट्स आइकॉनिक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज रिटन लाइक दैट एंड वी गॉट अ चांस टू पुल इट ऑफ। हमने बहुत ऑथेंटिकली शूट कर दी फिल्म, वो हो गई कड़क, वेरी गुड यार, वो हमने कर दी, वो हो गई। वो किस्मत थी फिल्म की कि उस समय डीओपी, डायरेक्टर, हम एक्टर्स बस उधर छुट्टी मनाने गए 3 महीने और एक फिल्म बना के आ गए। तो अभी हम लोग इतना सब बात किए हैं, इससे मेरे को एक चीज ये रियलाइज होती है कि आपकी केमिस्ट्री कड़क है। अब मैं देखता हूँ इसका ट्रेलर आपकी लेटेस्ट फिल्म का, संदीप और पिंकी फरार, और मैं बोलता हूँ यार इसमें केमिस्ट्री किल की है क्या आप लोगों ने? क्योंकि अगर इतना अच्छा बॉन्डिंग है तो कई बार वो डायलॉग डिलीवरी में आ ही जाएगा, तो फिर आपने क्या उसको वो किया, उसको टोन डाउन किया? नहीं, we were just in character. I think वो ही हमारा काम है। नहीं, acting तो करनी चाहिए। हाँ, acting तो हमें, मतलब अगर कल को मुझे किसी साथ पिक्चर करनी है कि मुझे इसका मर्डर करना है तो मैं प्यार से थोड़ी मर्डर करूंगी। तो ऑब्वियसली दैट इज, दैट वाज द ब्यूटी, अगर ये फिल्म इशकजादे जैसी होती तो हम लोग ये साइन नहीं करते। वी हैड टू डू अ फिल्म दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन बिफोर, एंड एक्चुअली हमने 3 फिल्में साथ की हैं एंड ऑल 3 आर कंप्लीटली डिफरेंट। यार ये रोड है ना, अगर लेफ्ट काट लो तो बताओ, गली ये गलियां, गलियां मेरी गलियां, सी यू कांट टेक मी टू अंबाला बट आई कैन ब्रिंग यू टू माय चाइल्ड। वाओ वाओ, प्लीज शो मी। ये आईवरी हाइट्स जो लेफ्ट में, यहां तो मैं क्रिकेट खेलता था ये बिल्डिंग के अंदर। यस, ये विंचेस्टर नाम है ये बिल्डिंग का, यहां पे एयर इंडिया के सारे पायलट्स और एयर होस्टेसेस रहती, यहां पे हम लोग क्रिकेट का मैच रखते थे, आईवरी हाइट्स वर्सेस विंचेस्टर। मैग्नम टावर वाज द क्रेम डेला क्रेम ऑफ लोखंड वाला था, कि मैग्नम टावर में कोई रहता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ना उस समय, और इसके आगे था शेफील्ड, तो मैग्नम एंड शेफील्ड वर द ब्रदर, यू नो, कि बड़े लोगों के लाइक द बिग गाइस, नाम भी वैसे ही रखा है ना उन लोगों ने, मैग्नम शेफील्ड। और इधर आगे एक लेफ्ट पे होता था भेलपुरी वाला, जिसको मैं सब कुछ झूठ बोलने जा रहा था कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके भेलपुरी खाए आते हैं ना शाम को, आते हैं वो, ओ अंकल, सबको बोलता था मैं बैक रोड पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन इधर भेलपुरी वाला आता है। तुम यहाँ रहते थे, ये वो जो दादी वाला घर में, दादी में हम लोग सब जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। After Chembur we came here, then mom dad split up, mom and we continued living here, dad moved there. और तभी ये रास्ते में एक गाड़ी नहीं होती थी, आज गाड़ी चलाने की जगह नहीं। हाँ ना, देखिए तो। हाँ, तो ये पूरा जो, और यहाँ से मैं साइकिल चला के जाया करता था, एकदम यहाँ पे सीधा रोड के एंड पे आता राजपूत डेयरी फार्म, लेफ्ट और राइट जाओ तो लोखंडवाला का मार्केट है ये। अभी हम घुसने वाले हैं मार्केट में, मार्केट में लोखंडवाला मार्केट वाज माय अड्डा आल्सो व्हेन वी केम। प्रियंका वहाँ पे करण बिल्डिंग होती थी, वो वहाँ रहती थी, देन शी शिफ्टेड टू यारी रोड। तो मैं पहला साल जब मैं बॉम्बे आई तो मेरे पास और कोई नहीं था, मैं सिर्फ उनको जानती थी, तो मैं एक साल उनके साथ रहती, तो लोखंडवाला वाज माय एरिया आल्सो। पीसी ना बाबा, यहाँ पे एक्सिस बैंक होता था पहले, और ये अंदर वाली रेल में करण बिल्डिंग में मेरी दीदी यूज्ड टू लिव और मैं उनके साथ रहती थी। अब तो वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शी इज इंटरनेशनल लाइक यू, सो द वीजा इज रिक्वायर्ड, शी इज, दिस हैज बिकम जूना माल एंड दैट इज जोनास माल। You're good in like these jokes. Some are khatta, some are acha. He's too good. But you're good. आपको bad घुमाना पड़ता है अगर आप सहवाग हो तो, कहीं ना कहीं connection लगता है। सही बात है। Wow, मैं लोखंडवाला market कितने time के बाद आई हूँ। देखो राजपूत डेयरी फार्म। करेक्ट है। और इधर फैंटेसी कलेक्शन करके आगे दुकान है जहाँ पे मैं कैसेट खरीदने आता था, अभी भी है, अभी कपड़े बेचते होंगे। देखा फैंटेसी कलेक्शन आता था एक ऐड ऐसा। अरे वाह वाह, मैं यहाँ पे हाई पॉइंट पे आती, हाई पॉइंट आगे, हाई पॉइंट पे मैं जाके खाती थी। माय गॉड, अशोका यूज्ड टू बी अ बुक लाइब्रेरी ऐसे। और इधर टॉयज की दुकान होती थी इधर अंदर एक, और वो फिर तभी ना कस्टम नोटिफाइड स्टोर होते थे, कस्टम नोटिफाइड वहाँ पे आगे फोर्थ क्लासे उधर, आई नो दिस, खाली हुआ करती थी जगह यार, अब भरी पड़ी है, मैं बुजुर्ग महसूस कर रहा हूँ। बुजुर्ग ईडन खड़े होकर मैं खाया उधर ही, ये देखो। हाँ,
अप्सरा आ गया खड़े होकर दो एक्स्ट्रा बर्गर खा लिया करता था ताकि किसी को देखो किसी को दिखे नहीं किसी को दिखे नहीं सच में ये पेड़ के पीछे छुप के खा लेता था क्या ट्रिक है ये सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड व्हाट फूड प्लेसेस आर योर्स एंड योर्स आई लव बॉम्बे कैंटीन ओके किसी को भी अगर लोअर परेल किसी को भी अगर अच्छा अच्छा फ्यूजन खाना खाना है पारसी खाना है नॉर्मली बट वहाँ पे जैसे एग्स केजरीवाल मस्त खाना मिलता है मतलब एकदम मक्खन मलाई मस्का ब्रेड पाव मिलता है साथ में कीमा भेजा फ्राई वेज में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त आई थिंक ऑल्सो बॉम्बे में जो है यहाँ का जो कॉलेज के बाहर वाला स्ट्रीट फूड है लाइक मिट्टी भाई का कुछ एनएम का कुछ लाइक यहाँ पे वो एक बड़ा बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पे नहीं वहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चर है मैं दबेली बहुत खाता था बचपन में अमर जूस सेंटर वाज अ बिग थिंग टाउन में वो अपना स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम यस अपना इन द लास्ट एपिसोड वी डिड हैव स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम विद समबडी विद होम विद नुसरत ओह वाओ ऑल्सो आई थिंक जो बारिश में वो जो बूस्ट मिलता है साइकिल पे वो तो रात को मिलता है हाँ तो वो एक बहुत कूल चीज है आई थिंक वो एक कार में बैठ के खाने वाला है दैट्स एक्सट्रीमली स्पेसिफिक टू बॉम्बे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी3 कलेक्शन पे मेरे एक वीडियोकॉन का एक बड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर जब मैं बनी थी तो उसका एक बड़ा सा होर्डिंग एंड आई थॉट आई हैड अराइव्ड इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज लाइक मैं अपने फोन यहाँ से लेती थी पहले दो तीन साल बिफोर आई बिकेम द एक्ट्रेस एंड फिर उसी दुकान में जब मेरा फोटो लगा आई वाज लाइक वाओ अब मैं यहाँ से फोन उसके नहीं, अब मैं आगे दुकान में। फ्री में फोन लूंगी आगे। ये दिख रही है लड़की ये मैं ही हूँ इट मी फ्री फोन प्लीज ओके सिंस वी आर हियर एंड वी आर डूइंग दिस होल नॉस्टैल्जिया टेल मी बॉम्बे स्लैंग दैट यू गाइस यूज और आर फॉन्ड ऑफ आई ओनली से वन थिंग बोलो सुमड़ी में आके बताओ सुमड़ी वो मैंने जो यहाँ आके सीखा है तो मुझे लगता था कितना अगली वर्ड है बट हाँ खोपचा ऑल्सो लिटिल बिट जब मेरे पेरेंट्स पहली बार बॉम्बे आए मुझसे मिलने आफ्टर मेरे को कुछ महीने हो गए थे तो ऑलरेडी मेरा स्विच हो गया था कांदा बटाटा माय पेरेंट्स वर इन शॉक बिकॉज आई एम दैट पर्सन जिसकी हिंदी परफेक्ट होनी चाहिए और इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए लाइक आई एम दैट पर्सन एंड आई बिकेम दैट पर्सन हु स्टार्टेड स्पीकिंग रॉन्ग हिंदी बॉम्बे का हिंदी उधर को जाओ इसको बताओ करके बताओ तो दे लाइक करके बताओ ये लोग दिखाओ को बताओ बोलते हैं क्या करके बताओ सो इट्स नॉट लाइक करके बताओ करके दिखाओ लेकिन अभी मैं यही बोलती हूँ करके बताओ हो गया अभी मेरा यू डिडंट टेल मी व्हिच फूड प्लेसेस यू बिंज ऑन आई एम अ फुल होम ऑर्डरर तो अ लॉट ऑफ एक्चुअली आई डू अ लॉट ऑफ जब मुझे घर पे क्रेविंग होती है मुझे दो ही चीजों की होती है वो तो या तो पिज्जा की होती है जो अब मैं बिल्कुल नहीं ऑर्डर करती हूँ एंड दूसरी जो मुझे क्रेविंग होती है वो होती है एशियन फूड की लाइक आई ऑर्डर सुशी और And sushi also, I'm a bad sushi person. I have eat veg sushi. I'm sorry to everyone who's listening that's to this. That's not sushi, that's soup. I don't like, it's soup. It's I rice. Love soup. Patte you got sushi, yeah. sushi. You get patte mein rice. Yeah, it's sushi. So you can get a lot of things. Like maki rolls are very good vegetarian. So I just don't eat raw fish. So... वो निकाल के तो इनको चावल और सब्जी खाना है पर जापानी स्टाइल में रोल बेसिकली करेक्ट वो टेस्ट मुझे चाहिए लेकिन मुझे आई डोंट लाइक रॉ फिश दो लोग बस ऐसे रास्ते में गुफ्तगू कर रहे हैं और ट्रैफिक उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है बाप है मुंबई ये बाप और भाई क्या चल रहा है फर्स्ट क्लास ओहो यार ऑडिशन उधर है ऑडिशन है उधर जा बट जस्सी और कैजुअली जिंदगी आगे बढ़ती हुई बस बेहतरीन You what you There guys did not two see people who were having a very casual conversation in the chauraha but the middle cars of the road but cars were also going around them ki manage kar lenge hum sambhal lenge aap log ye baat bahut zaruri hai baat karke hi jana discuss ki aajkal badi garmi hai aur to mera kabhi kabhi man karta hai aise jagah pe surprise karne ke liye bas utar ke hi bolne chale jaao logo ko just to see their reaction kar wo shock mein gir jayenge nahi wo bolenge ae pichli picture ka paisa wapas kar ticket Okay, so since we're talking about Pichli Picture, what do you guys do when a movie doesn't work or seemingly in box office collection doesn't do well? Go out of town. You try and let go of it. To yeah, you get to First, you have to let go regardless of the result. So, are there places, Arjun and Pariniti, where you go to when you're down or when you're recovering or when you're just need an... See, I travel a lot and most of my travels are not even documented because I don't like to post on social media too much. But main har mahine ya har 6 hafte mein main kahin na kahin nahi hoti hu. Katak. I travel a lot. Matlab I go through like a lot of passports just because I travel a lot because wo mera pehla love, mera pehla passion hai and uske saath now it's scuba diving. So I dive a lot now. I love scuba diving. Mujhe scuba diving dekhna bada achha lagta hai. Scuba diving dekhna bada achha lagta hai. So how was it? What do you guys think? Well, I had a wonderful time going down memory lane. Yeah. Shukriya ki aapne ye memory lane ki drive mujhe di.
कपिल शर्मा ये नहीं हुआ। This is the Bombay Journey and I'm Siddharth signing off, guys. Bye bye.